हाँ भाई, मैंने इनसे कहा था कि आप दोनों का एक साथ कोई फ्यूचर नहीं है। शिव, पूरी बात बता। सर, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं अभी। हाँ, तुम जाओ, मैं आता हूँ। अच्छा सुनो, तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं आता हूँ। कर सब सेट है ना? हाँ, स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी है। गुड। क्या कर रही हो अनन्या? क्यों शिव की जरा जरा सी बातों पर अपना दिल दुखा रही हो तुम? तुम्हें पता है ना कि वो अपने अंदर के शैतान की वजह से तुमसे दूर हो रहा है, तो उसके शैतान को उससे दूर करो। हम अकेले नहीं कर पाएंगे महादेव, मैं आपकी मदद चाहिए, प्लीज मदद कीजिए हमारी। आप ही हैं जो हमारी बढ़ती दूरियों को कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं। हम और शिव आज ही आपके दर्शन के लिए आएंगे। ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू। अनन्या आ गई है। हमें अमर के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत बदतमीज है। जानते हो क्या किया है उसने? तुम जैसा पीस तो भगवान ने एक ही बनाया है, तुम ही शादी कर लो मुझसे। तुम्हारी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है, तुम्हारा प्रेजेंट फ्यूचर सब मेरे साथ है। मैं हूं ना तुम्हारे पास, शिव से ज्यादा प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि दो दिन में भूल जाओगी उसे। वो एक अच्छा इंसान नहीं है शिव, हम तुमसे वादा किए हैं इसलिए उसके साथ तमीज से पेश आते हैं और आगे भी आएंगे। पर प्लीज तुम इन सब बातों की वजह से हमसे दूर मत हो ना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। I love you so much. अनन्या,
भाई, अगर महादेव खुद नीचे आकर मुझे कहे कि अनन्या की नियत में खोट है, तब भी मन का यकीन नहीं करूंगा। क्योंकि इसकी आंखों में तो मासूमियत झलकती है। लेकिन अब ना तो मुझे कुछ जानना और ना ही मुझे कुछ पूछना है तुझसे। अमर, अच्छा नहीं हूं मैं, सब जानता हूं। तेरे हाव भाव, तेरे बात करने का तरीका, तेरी नीयत, सब जानता हूं। उस दिन जब तूने अनन्या की फोटो उठाकर जो कुछ भी कहा, उसके बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। इसकी मासूमियत, इसकी शैतानियां कहीं खो सी गई हैं। शांत हो गई है ये, ऐसे लगता है जैसे कहीं मातम छा गया हो। कुछ अच्छा नहीं लग रहा इसके बिना। भाई है तू मेरा, मुझसे दूर रहा तू, मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया और इतनी बड़ी बड़ी प्यार की बात की, इसीलिए मैं चुप रहा। लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है अमर। बहुत नाजायज फायदा उठाया तूने मेरे प्यार का। और नहीं चाहिए मुझे ऐसा भाई जो रिश्तों की कदर करना ना जानता हो। तू निकल जा यहां से। जिसको और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। केतकी, अमर की इन घटिया हरकतों में तुम्हारा भी उतना ही हाथ है। सो इससे पहले कि बदतमीजी करो तुम्हारे साथ, प्लीज यहां से चली जाओ। ये बुढ़िया भी ना अपने चक्कर में पूरा घर धुएं से भर दिया इसने। आप कमरे से बाहर क्यों निकले? कमरे में ही बैठे रहते ना। छाया, ये वक्त कमरे में बैठने का नहीं है, हमें अपनी शक्तियों की नुमाइश करनी है। पर वो कैसे होगा, अभी तक तो तुम्हारी शक्तियां लौटी नहीं है ना। तो क्या हुआ, उन्हें थोड़ी ना पता है। यह हमें हमारा पहला प्यार था। तो अच्छा हो गया कि केतु के कहने से ये मच्छर मारने की दवाई डलवा ली, कम से कम मच्छर तो खत्म हो जाएंगे। अरे लात मार दी, अरे मार दी। क्या हुआ? अरे लात मार दी, लात मार दी। चुड़ैल जय हनुमान ज्ञान गुण चला जय कपीत लोग जय। आ गई
अरे दूर से बहुत अच्छी लग रही है आप। हमने कुछ नहीं किया। अच्छा मजा चखाया आज सबको। कार में ही परेशान हो रहे थे हम ये सोच सोच के कि अमर की सच्चाई शिव के सामने कैसे लाएंगे, लेकिन हम तो भूल ही गए थे महादेव कि वो शिव है, आपका रूप, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए दुनिया भस्म कर दी थी। खैर एक प्रॉब्लम खत्म हुई, लेकिन महादेव आगे कई और दिक्कतें आने वाली हैं। प्लीज आप शिव को हिम्मत दीजिएगा कि उनसे भागने की बजाय उनका सामना करें, डट के सामना करें, या फिर कोई ऐसा रास्ता सुझा दीजिए ना हमें कि कोई प्रॉब्लम ही ना आए। कर रही है अब और कमल कटे गया, कहीं थारे पति का चक्कर तो नहीं चल रहा किसी और के साथ? अम्मा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कभी तक तो कुछ आकर भैया मुझे माफ कर दो। अम्मा जगो हमें, क्या हुआ? कमल बैठ, ये बता इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे अम्मा इतना सब कुछ हो गया घर में, हम तो घबरा के यहाँ आ गए। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, तू एक काम कर, तू यहाँ सो जा। पहले ये बता वो तांत्रिक कब आएगा? तांत्रिक बाबा को हम कल लेकर आएंगे। अच्छा अच्छा बेटा मेरा सो जा। मेरा डर इनके मन में बढ़ रहा है, ये तो अच्छा है पर इनके हाथों दोबारा परेशान नहीं हो सकती मैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अमर अमर ये तुम क्या कर रहे हो? अरे इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो तुम? देखो मानते हैं हम कि एक प्लान फेल हो गया है, लेकिन दूसरा काम कर जाएगा ना। तुम चिंता मत करो, अनन्या बहुत जल्द तुम्हारी होगी, विश्वास करो हमारा। बकवास मत करो, चलो यहाँ से। पर हमारी बात तो सुनो अमर। कहा ना जाओ। जमाई बाबू इससे सचमुच चुड़ैल अंदर नहीं आएगी? अरे उम्मीद तो यही है अम्मा जी, और ईमानदारी का पान खाकर झूठ तो बोलते नहीं है, किताब में भी यही लिखा हुआ है, देखिए।
ये पता नहीं कमल कहाँ रह गया। इसे कहा था जल्दी से जल्दी बाबा जी को लेके आना। अम्मा ये पाओ बाबा। मैं आ गया हूँ बस। अब कोई भूत प्रेत पिशाच या नहीं रह सकता। कमल तुझे पक्का यकीन है ये चुड़ैल को घर से बाहर निकाल देंगे? हाँ अम्मा, ये बाबा कम और वड़ा पाव मेरा मतलब है जोखर ज्यादा लगते हैं। किसी की शक्ल से उसकी काबिलियत का पता नहीं चलता रेखा। ये बहुत मशहूर बाबा हैं शहर के। अरे पैरों को देख के भूत पिशाच चुड़ैल पकड़ लेते हैं। कहाँ है चुड़ैल? बाबा यहीं कहीं होगी घर में। आप अपनी शक्तियों से देख लो ना। तेरे पल्लू में छुपी रहूंगी मैं। मुझे जल्दी बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ले। फिक्र मत कर, बहुत जल्दी तुझे बाहर ले आऊंगी मैं। ये कमल भी ना इन लोगों के साथ जा मिला है। जब से इसने मेरा असली रूप देखा है तब से मेरे वशीकरण का असर कम होने लग गया है। हफ्ते में एक बार की जगह 3 बार देनी पड़ती है। फिर से कोई नया बाबा पकड़ लाए तुम लोग? मरने का बहुत शौक है। तुझे कुछ नहीं करने आए हैं। दरअसल इनका बेटा ना जौहरी है तो हमने सबके लिए पायल बनवाई है तो बस सबके पैरों का नाप लेने आए हैं। तू भी दे दे नाप पैरों का। ठीक है। जानती हूँ ये पायल वायल सब नाटक है। इस बार छोड़ रही, अगली बार कुछ ऐसा किया तो यही रंग दूंगी। समझे? अमर, अमर मेरी बात सुन। तुम मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकता है? और ऑप्शन क्या है मेरे पास? अनन्या और शिव की नजदीकियां मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही अब। और अनन्या मुझसे वैसे नहीं मिलने वाली है अब, तो क्या करूंगा यार? कि इतनी जल्दी हार मान लिया तुमने? हार नहीं मान रहा, सच को अपना रहा हूं। शिव की शक्तियों के आगे नहीं लड़ सकता मैं।
और आप मेरे को शक्तियां दे नहीं रही तो लड़ू कैसे? इससे बेटर चला ही जाता हूं। मुझे किसी भी तरह अमर को रोकना पड़ेगा, वरना मेरा मकसद पूरा नहीं होगा।